शिवानी पांडे, रूस के कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में पड़ गया है। ज़ेलेंस्की की सेना जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, न्यूक्लियर प्लांट उसकी जद में आ गया है। दुनिया भर में एक्सपर्ट मान रहे हैं, अगर कुर्स्क प्लांट पर हमला हुआ तो रेडिएशन को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सावा स्ले का 14 अगस्त 2023, बोरिसो क्लिप्स 14 अगस्त, मिलेरो 20 जुलाई, मोरोजोअस 22 जुलाई और 3 अगस्त मोरिनो का 22 अगस्त और अब कोर्स के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास। पुतिन को हिला देने वाले हमले, ज़ेलेंस्की ने रूस में पैदा कर दिया जलजला। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडरा रहा खतरा, ओर्स्क में बम गिरा तो रूस के पर खच्चे उड़ जाएंगे। 2.5 साल के युद्ध में अब तक ज़ेलेंस्की खून के आंसू रो रहे थे, अब पुतिन की लाल आंखों से खून टपक रहा है। रूस के भीतर घुसकर यूक्रेन तबाही का वो मंजर पैदा कर रहा है कि पूरा रूस सिहर रहा है। कुर्स्क पर यूक्रेन कब्जा जमा चुका है और आलम तो अब यह हो गया है कि रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये रूस के कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर कोई छत नहीं, खुले आसमान के नीचे इसकी चिमनियां खड़ी हैं। ज़ेलेंस्की का कोई भी ड्रोन या रॉकेट यहां तक पहुंचा तो परमाणु भट्टी की लंका लग जाएगी और फिर जो पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की दर्जन भर धमकियां पश्चिमी देशों को दे चुके हैं, उनके अपने ही देश में उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। कुर्स के परमाणु पावर प्लांट का निरीक्षण करने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल पहुंचे। माय मैसेज इन कुर्स्क ओब्लास्ट, इन मॉस्को, इन सेंट पीटर्सबर्ग, इन सोची, इन कीव, इन ब्यूनस आयर्स, इन न्यूयॉर्क इज द सेम। नो न्यूक्लियर एक्सीडेंट, दिस कैन नॉट हैपन एंड दिस इज व्हाई द IAEA विल ऑलवेज बी देयर। IAEA यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ापोरिज़्या भी पहुंचा था। ज़ापोरिज़्या इस वक्त रूस के कब्जे में है, लेकिन ज़ापोरिज़्या की एक परमाणु भट्टी में आग भड़की तो यूक्रेन और रूस दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लिया। IAEA आंखें फाड़ता निहारता रह गया। किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। परमाणु रेडिएशन से मौत की आशंका वाली खबरें पृष्ठभूमि में समा गई और अब कुर्स्क डेंजर जोन में पहुंच चुका है। तस्वीर देखिए और परमाणु भट्टी का खतरा किस लेवल पर है समझने की कोशिश कीजिए। रशियन नेशनल गार्ड के ट्रूप्स उस एमुनेशन को डिफ्यूज कर रहे हैं जिसे यूक्रेन के हाईमार्स से यहां भेजा गया है। यह जगह कुर्स्क परमाणु सेंटर के बिल्कुल करीब है। रशियन नेशनल गार्ड के अफसर ने एक टूटा हुआ मिसाइल बरामद किया है जिसमें 180 ऐसे बम मिले जो फटते फटते रह गए, जिसे अफसर ने डिफ्यूज किया। группа прибыла на место, подняли дрон, беспилотник, осмотрели место, обнаружено то, что было, ну, ракета Хаммерс. Вышли осмотреть объект, обнаружены были суббоеприпасы кассетные. Было обнаружено 183 боеприпаса, они были уничтожены накладным зарядом, ни сработок не было. हारते यूक्रेन ने कैसे पलट दी भाषी? ज़ेलेंस्की ने निकाला ऐसा कौन सा हथियार जो पुतिन की फौज पर पड़ रहा भारी? क्या नाटो ने ज़ेलेंस्की को दिया ऐसा सीक्रेट हथियार जो रूस का कर सकता है विनाश? यूक्रेन के पास अब दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट में से एक F-16 है। यूक्रेन के पास हाईमार्स डिफेंस सिस्टम है।
यूक्रेन के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन रूस के पास अब भी लंबी दूरी के उन हथियारों की भारी कमी है जो रूस को बहुत अंदर घुसकर उसको जख्म दे सके। लेकिन ये जुलाई के पहले तक की स्थिति थी, अब यूक्रेन के हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन ने इसके लिए ऐसे हथियार लॉन्च किए हैं जो पुतिन की करोड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन रूसी वायुसेना के ठिकानों, तेल और हथियारों के डिपो और उसके कमांड सेंटर को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी कंपनियां अब सैकड़ों वन वे यानी एक बार में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। पश्चिमी देशों में बने इसी तरह के ड्रोन के मुकाबले यूक्रेन के ये ड्रोन काफी सस्ते बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन की कंपनियां लंबी दूरी तक मार करने वाले AQ-400 साइथ ड्रोन बना रही हैं। इस ड्रोन की क्षमता 750 किलोमीटर यानी 450 मील है। इसके अलावा यूक्रेन की कंपनियां हर महीने 100 से अधिक कम दूरी वाले AQ-100 बेयोनेट ड्रोन भी बना रही हैं। ये ड्रोन एक बार में 100 से अधिक किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। ये ड्रोन लकड़ी के बने हुए हैं और इन्हें यूक्रेन की पुरानी फर्नीचर फैक्ट्रियों में असेंबल किया जा रहा है। इन्हें असेंबल करने में एक घंटा लगता है और फिर आधे घंटे में इसमें मोटर, विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए जाते हैं। बेयोनेट ड्रोन की कीमत कुछ हजार डॉलर होती है। इसकी तुलना में इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रूस को जो मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है उसकी कीमत $10 लाख से भी अधिक होती है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स के हमलों को उनके खुफिया एजेंसियां संचालित करती हैं। ज्यादातर हमले रात के वक्त किए जा रहे हैं, हालांकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से अधिकतर को मार गिराता है, लेकिन 10% के आसपास अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और फिर जो तबाही होती है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन हमलों ने रूस के अपने सैन्य हवाई अड्डों को और पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया है। नतीजतन यूक्रेन पर हवाई हमलों की संख्या में भी कमी आई है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने मेरी नोवका एयरबेस पर काफी तबाही मचाई है। यूक्रेन का मानना है कि वो पश्चिम देशों में से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से और अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन के सहयोगियों ने उसके अनुरोध को मंजूर नहीं किया है। अमेरिका और जर्मनी में इस बात का भी डर है कि यूक्रेन को अगर ऐसे हथियार दिए गए तो उन्हें भी युद्ध में घसीटा जा सकता है। हालांकि इस डर के बावजूद पश्चिमी देश और कंपनियां यूक्रेन की मदद कर रही हैं। They want to insist on the idea that when we support Ukraine, even when we consider the possibility of targeting inside Russian territory, we are not in war with Russia. Nobody wants to be in war with Russia. We are just supporting Ukraine. But put on the shoes of the Ukrainians, you are being bombed by the Russians from a place which is out of range of your capacity, you would like to be able to fight on equal terms. This is a war that cost a lot of lives to the Ukrainians, so we have to support them more. यूक्रेन बहुत हद तक अब भी घरेलू स्तर पर बने ड्रोन ही इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन को लगता है कि युद्ध जीतने का एक ही तरीका है और वो है जंग को रूस के भीतर ले जाना। सवाल है, यूक्रेन के हमलों का जोरदार जवाब पुतिन क्यों नहीं दे रहे? पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? पुतिन कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस हमले को इतना गंभीर खतरा नहीं मानते हैं कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके से सैनिकों को वापस बुलाकर कुर्स्क इलाके में भेजना उचित समझे, जो उनका पहला लक्ष्य है। पुतिन का ध्यान यूक्रेन सरकार के पतन पर है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसके बाद किसी भी इलाके पर कब्जा अपने आप महत्वहीन हो जाएगा। 2022 में हमला शुरू करने के महीनों बाद पुतिन ने डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़्या, खेरसोन के यूक्रेनी इलाकों को रूसी क्षेत्र के हिस्से के रूप में अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। उन इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। टेलीविजन मीटिंग में कुर्स्क हमले के बारे में पुतिन ने कहा कि यह डोनेस्क में रूसी अभियान को धीमा करने की एक चाल है। कुर्स्क में हमले की घटनाओं के बावजूद रूस तेजी से कई इलाकों में आगे बढ़ा है। यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुतिन ने कुर्स्क में कीव के हमले को बहुत कम महत्व देने की कोशिश की है। रूस के सरकारी मीडिया ने कुर्स्क पर हमले को कीव के आक्रामक इरादों के सबूत के रूप में पेश किया और कहा कि ये इस बात का और सबूत है कि रूस का यूक्रेन पर हमला करना उचित था।
इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने डोनेस्क और लुहांस्क की दो जगहों पर कब्जा कर लिया है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पुतिन लंबी जंग के योद्धा हैं, इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूक्रेन भले ही इस वक्त रूस में घुसकर हमला करने में कामयाब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुतिन इसे अनदेखा कर रहे हैं। पुतिन माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कीव में पिछले चार दिनों से रूस की फौज कई बार अटैक कर चुकी है। इन हमलों का एक ही मकसद है कि कीव का किला गिरा तो फिर रूस में घुसकर किए जा रहे यूक्रेन के हमलों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। आपको याद हो कि 2022 में युद्ध शुरू होने के ठीक बाद रूस की फौज, जिसमें चेचन्या का कमांडर रमजान कादिरव की सेना भी शामिल थी, कीव में घेरा डाला था, लेकिन दो महीने के घेरे में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और रूस की फौज को यूक्रेन के दूसरे इलाकों में कूच करना पड़ा। पुतिन आगे क्या करेंगे और पुतिन किस प्लान पर काम कर रहे हैं, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस बीच पुतिन की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह मंगोलिया का दौरा करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी का सदस्य है। 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के मामले में पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। पुतिन कच्चे खिलाड़ी नहीं, यूक्रेन युद्ध शुरू करने के बाद से ही पुतिन कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। पुतिन के सामने युद्ध शुरू करने से पहले भी ये क्लियर था कि यूक्रेन पर हमले के बाद उनका सीधा सामना नैटो की ताकतों से होगा, जिसकी लीडरशिप अमेरिका के पास है। पुतिन के सामने ये भी तथ्य स्पष्ट था कि नाटो ज़ेलेंस्की को हथियार देगा और हर संभव मदद करेगा। बावजूद इसके पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया और 2.5 सालों से कोई दिन शायद ही ऐसा हो जब रूस की फौज ने यूक्रेन पर बम नहीं गिराया। अब यूक्रेन बम गिरा रहा है तो पुतिन को चिंता तो हो रही होगी, लेकिन ये चिंता इतनी ज्यादा नहीं दिख रही कि यूक्रेन पर पुतिन अटैक बंद कर। ईरान से जुड़ी एक गोपनीय रिपोर्ट ने ऐसा जबरदस्त खुलासा किया है कि अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं। खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान एटम बम से कभी भी खौफनाक हमला कर सकता है। गोपनीय रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने इतना ज्यादा यूरेनियम बना लिया है जिससे वो हर महीने कम से कम 5 एटम बम बना सकता है। इस खुलासे के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए B-2 बॉम्बर को एक खुफिया अड्डे पर तैनात कर दिया है। ईरान के एटम बम से आखिरी युद्ध, क्या ईरान के एटम बम से दुनिया में आखिरी युद्ध होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने इजराइल और अमेरिका को हैरान कर दिया है। अगर इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से ईरान डर गया है तो वो गलत साबित होने जा रहे हैं। अगर इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि ईरान इजराइल पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तो ये सोच भी पूरी तरह से गलत साबित होने जा रही है। ईरान मिडल ईस्ट में परमाणु जंग करने जा रहा है और इसकी तस्दीक खुद संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने एक तरह से कर दी है।
जरा देखिए ईरान की परमाणु तैयारियों को लेकर आईएईए ने क्या खुलासा किया है। ईरान का परमाणु बम निशाना इजराइल। आईएईए ने ईरान की तैयारियों को लेकर जो खुलासे किए हैं वो सीधे सीधे इजराइल के वजूद के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। आईएईए की तरफ से जो गोपनीय रिपोर्ट यूएन में भेजी गई है वो हैरान करने वाली है। गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को हथियार के लेवल के करीब तक बढ़ा लिया है। दावा किया गया है कि ईरान अपने परमाणु ठिकाने वरामन और तुर्कोजाबाद में एटम बम बनाने के एकदम करीब पहुंच चुका है। ईरान लगभग 164.7 किलोग्राम यूरेनियम तैयार कर चुका है जो एटम बम बनाने के लिए काफी है। ईरान ने 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम 90% के हथियार ग्रेड स्तर तक लगभग पहुंचा दिया है। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बेहद खुफिया तरीके से काम करवा रहे हैं। कुछ जानकारों का साफ कहना है कि ईरान का पहला एटम बम अगर किसी देश पर सबसे पहले गिरेगा तो वो होगा यहूदी देश इजराइल, जिससे ईरान बेहद नफरत करता है। انتظار از پاسخ طولانی تر بشه فعلا صهیونیست ها در ترس ناشی از دوره انتظار و ابعاد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت در بی‌تعادلی باید به سر ببرن। इधर जब से ईरान की एटमी ताकत का पता इजराइल और अमेरिका को लगा है दोनों ने ही ईरान से मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि डिएगो गार्सिया आइलैंड से अमेरिकी सीक्रेट मिलिट्री बेस से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने खतरनाक बॉम्बर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ तैनात कर दिया है ताकि इजराइल को ईरान के घातक हमलों से बचाया जा सके। इस वक्त अमेरिका ने अपने नेवी के 30% वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। अब हम दिखाते हैं कि इजराइल के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने ईरान को टारगेट करते हुए B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर को जंग में उतार दिया है। अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया से B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान पर हमला किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि B-2 बॉम्बर 4842 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान पर घातक बम और मिसाइलों से हमला करेगा। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि B-2 बॉम्बर सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका जानता है कि अगर B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमले नहीं किए गए तो ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों और एटमी हथियारों से इजराइल को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सकता है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने अपनी खुर्रम शहर मिसाइल का खुलासा करके अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए थे। दावा किया जा रहा था कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल शहर मौजूद हैं जिसमें 2,00,000 से ज्यादा घातक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान इजराइल पर अपनी लंबी दूरी की घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 से हमला करने जा रहा है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने ऐसी सैकड़ों मिसाइलें पश्चिमी ईरान तक पहुंचा दी हैं जहां से इजराइल के शहरों को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा बल्कि ईरान के खुर्रम शहर 4 मिसाइल आयरन डोम के चीथड़े उड़ा देगी। इधर अमेरिका और इजराइल भी ये मान चुके हैं कि ईरान हमला करने में इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि वो तेजी से अपने परमाणु बमों को बनाने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों को भनक लगी है कि ईरान इस वक्त एटमी हमला करने के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ चुनिंदा टॉप कमांडरों को आदेश दे दिया है कि ईरान इजराइल पर एटम बम से हमला करना चाहता है। हालात ये हो गए हैं कि ईरान की परमाणु तैयारी को देखते हुए पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग की है।
जिसमें ये समझने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करता है तो इजराइल ऐसी स्थिति में अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान लगभग 12 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खौफनाक है, खास तौर से इजराइल के वजूद के लिए। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या इजराइल को खुद को ईरानी मिसाइल और एटम बम से बचा पाएगा? क्या अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए B-2 बॉम्बर को मास्टर स्ट्रोक मानता है? अमेरिकी बॉम्बर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ की रेंज 11,000 किलोमीटर है और जिस जगह उसको तैनात किया गया है वो एयरबेस ईरान से करीब 5,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये बॉम्बर चाहे तो ईरान जाकर बम या मिसाइल गिराकर 4 से 5 घंटे में वापस अपने बेस में आ सकता है। डिएगो गार्सिया आइलैंड इसराइल से 5,842 किलोमीटर और ईरान से 4,842 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर में 80 छोटे और 16 परमाणु बम रखने की क्षमता है। ये 1.70 लाख किलोग्राम का वजन लेकर उड़ सकता है और इसका खुद का वेट 71,700 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 69 फीट है और इसमें 172 फीट लंबाई वाले पंखे लगे हुए हैं। B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और 1010 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से चलता है। आसमान में ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 230 किलो वजन के MK-82 और GBU-38 बमों को बॉम्ब रैक असेंबली में रखा जाता है। ऐसे 80 बम इसमें रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें B-61 और B-83 जैसे 16 न्यूक्लियर बम लगाए जा सकते हैं। भयानक तबाही के लिए इसमें AGM-154 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन और AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी लगाई जा सकती है। साथ ही तबाही मचाने वाले 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम भी लगाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला करता है तो ईरान का बच पाना लगभग नामुमकिन है। אנחנו חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. लेकिन यह भी सच है कि ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है। साल 2022 में यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरानी मिसाइलों के विशाल भंडार में 300 किलोमीटर से लेकर 2,000 किलोमीटर तक मध्यम दूरी की मिसाइलें भरी पड़ी हैं। हाल में बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान के पास बहुत बड़े मिसाइल शहर मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईरान के पास 48 ऐसे बंकर हैं जिसमें हजारों की संख्या में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, यहां तक कि F-4 फैंटम जैसे लड़ाकू जेट हमला करने के लिए मौजूद। वहीं मिसाइलों के एक्सपर्ट्स कुलोई रियोटिस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान से ज्यादा मिसाइलें किसी के पास नहीं है। मिसाइल एक्सपर्ट कुलोर रियोटिस ने यहां तक अनुमान लगाया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं, जो इसराइल को तबाह और बर्बाद करने के लिए काफी है। इधर हानिया हत्याकांड के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरानी कमांडरों को कसम खिला दी है कि इजराइल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 20 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इजराइल के लिए किसी कयामत से कम नहीं है।
ईरान की मिसाइल पावर का लोहा अमेरिका तक मानता है। ईरान खुर्रम शहर मिसाइल को इसराइल पर दागने की तैयारी में जुटा है। खुर्रम शहर मिसाइल पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर पहुंच चुकी है, जहां से ये मिसाइल इसराइल पर दागी जाएगी। खबरों में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इसराइल से कम 10 शहरों और वहां मौजूद सैन्य ठिकानों को तबाह करना चाहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान इसराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा, अश्केलो, बेत शोआन, केफर सावा, रेसोवोट, रमाला, अफुला, बरशेबा, बेशेरबा, हरजलिया और खुर्रम शहर मिसाइल से हमले कर सकता है, क्योंकि खुर्रम शहर मिसाइल इसराइल के आयरन डोम को तबाह कर सकती है। ऐसे में इसराइल पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ईरान अपने एटमी हथियारों और खुर्रम जैसी मिसाइलों से एक साथ हमला इसराइल पर कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका इसराइल को B-2 बॉम्बर से बचा पाएगी?